GD के फॉर्म फिलअप करने के बाद उसमें सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का रिजल्ट निकलेगा कुछ महीनों बाद, एक महीना बाद निकलता है रिजल्ट एग्ज़ाम देने के बाद। तो रिजल्ट निकलने के बाद उसका मेरिट लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा वो फिजिकल एग्ज़ाम के लिए। फिजिकल टेस्ट देंगे, फिजिकल में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग और 5 किलोमीटर की रनिंग और चेस्ट हाइट 170 सेंटीमीटर और आपका चेस्ट 80-85 मापा जाता है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसका, SSCGD का। तो उसको आपको फिजिकल हो गया, फिजिकल में अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट निकलता है, उसी टाइम रिजल्ट निकल जाता है फिजिकल का। फिजिकल का निकलने के बाद आपको फिर मेडिकल के लिए कॉल लेटर बुलाया जाता है। अब मेडिकल के लिए जो कॉल लेटर आएगा, फिर आप सभी उसमें जो कैंडिडेट जो भी लड़के या लड़कियाँ क्वालिफाई किए हैं फिजिकल को, तो अपने मेडिकल टेस्ट देने जाएंगे। अगर वो मेडिकल क्वालिफाई कर रही हैं तो फिर उनको आगे जो है कुछ महीनों बाद, एक महीना, एक या डेढ़ महीना टाइम लगता है फाइनल मेरिट निकालने में। तो वो फाइनल मेरिट निकलता है, SSC फॉर्म निकालता है। तो फॉर्म निकालने के बाद आपको जो फाइनल मेरिट निकला, फाइनल मेरिट में अगर आप सिलेक्ट हुए तो वहाँ पर आपको उसी टाइम वहाँ पर शो करता है कि आप आसाम रिफल मिला है ना कि कोई और फोर्स मिला है। अगर आप फर्स्ट प्राइज आसाम रिफल दिए होंगे तो आपको फर्स्ट प्राइज आसाम रिफल मिलेगा, और तब जो ज्वाइनिंग लेटर आएगी आपको, तो उस टाइम आप एज अ राइफल मैन आसाम रिफल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और आर्मी की जितनी भी सारी फैसिलिटीज़ हैं तो सारी आसाम रिफल्स में मिलती है सारी फैसिलिटीज़। तो आप अच्छे से, बहुत अच्छी फोर्स है आसाम रिफल्स, उसको ईजिली आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही आज के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा से पूरा देखने के लिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मैं और आगे अच्छे से कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए। और ओके, जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।